जो जिद्दी है वही कामयाब है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कोई भी वीडियो मिस ना करें, बेल आइकन। बुद्धिमान इंसान की कुछ पहचान होती है, उसके अंदर कुछ ऐसी हरकतें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें करता है कि जिंदगी वो महंगी महंगी गाड़ी में घूमता है, खूब सारा पैसा कमाता है, एक अच्छी जिंदगी बेहतरीन जीवन वो जीता है, और वेयर एज एक आम इंसान गरीब की तरह जी के मर जाता है क्योंकि उसको पता नहीं कि पैसा कैसे कमाना है, अमीर कैसे बनना है, ना वो इंटेलिजेंट है ना बन पाएगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और आचार्य चाणक्य नीति समझने के लिए, चाणक्य नीति समझने के लिए, दुश्मन चाणक्य नीति समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों सबसे पहली चीज, किसी की कमी कभी किसी को मत बताओ। जिंदगी में आपके पास आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, आप किसी के अंदर काम कर सकते हैं या फिर किसी के साथ काम कर सकते हैं, किसी के अंदर किसी व्यवसाय में, किसी बिजनेस में, किसी जॉब में, खुद की दुकान। जिंदगी में अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आप चलाक हैं और आपको आगे बढ़ना है तो किसी की कमी किसी को मत बताओ। होगा ये कि आप उसको कोई बात बताओगे, वो आगे जाके वो बात किसी और को बताएगा और जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसको पता लग जाएगी। होगा उसके बाद ये कि वो भी आपकी बुराई करेगा, आप भी उसकी बुराई करोगे, वो और एक तरीके की अनबन रहेगी। इसलिए कभी किसी की कमी किसी को बताकर अपना मुंह गंदा मत करो। कीचड़ में अगर पत्थर मारोगे तो खुद भी आप गंदे ही हो गए, आपके ऊपर भी कीचड़ आएगा। दोस्तों दूसरी चीज है रिलेशंस, अपने रिलेशन, अपनी अपनी पर्सनल बातें, आपका किसके साथ कैसी आपकी बॉन्डिंग है, कभी भी किसी को मत बताओ। हो सकता है आप अपनी कोई बात किसी को बताओ और उसी का इस्तेमाल कोई करे, आप बोलो यार मेरा तो दोस्त एक IAS पुलिस वाला है या फिर मेरा दोस्त तो एक लॉयर है, तो हो सकता है आपका दोस्त जिसको आप कोई बात बता रहे हो वो उसके नाम का इस्तेमाल करे। अगर आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हो तो जिंदगी में अपने रिलेशन किसके साथ कैसे हैं कभी भी किसी को मत बताओ। दोस्तों तीसरी चीज आती है कंपैरिजन। जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, अमीर बनना है तो अपना कंपैरिजन किसी से कभी भी मत करो। कंपैरिजन वही करता है जिसको लगता है कि वो किसी से पीछे है, कम है, आगे नहीं बढ़ सकता या फिर आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त उसके पास ताकत नहीं है, वही इंसान कंपैरिजन करता है। अगर आपके बच्चे भी हैं तो अपने बच्चों का भी कंपैरिजन किसी से मत करो। जो आप हो वही बन के रहो। आप ये सोचते हो कि सामने वाला तो बहुत सुंदर दिखता है, सामने वाला तो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं तो कुछ हुई नहीं, इससे आपका मोरल अपने आप ही और कम होता रहेगा। अगर आप अपने आप को ही तवज्जो नहीं दोगे, अपने आप को ही सीरियसली नहीं लोगे तो दुनिया तो क्या घंटा सीरियसली लेगी, उल्टा वो आपका मजाक और उड़ाएगी और आपके आपकी चीज़ों का मजाक भी उड़ाएगी। दोस्तों इसके बाद आती है अपने गोल्स। जिंदगी में आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, कुछ भी अच्छा बुरा कैसा भी, अपने गोल्स कभी किसी को मत बताओ। होगा ये कि आप बताओगे यार मैं तो चाहता हूँ कि मैं एक IAS ऑफिसर बन जाऊँ, मैं एक CA बन जाऊँ, मैं एक लॉयर बन जाऊँ, या फिर आप कोई आर्टिस्ट बनना चाहते हो, कोई सिंगर या फिर कोई म्यूजिशियन या फिर कोई आप मूवी लाइन में जाना चाहते हो, कुछ भी आप किसी को बताओगे। होगा ये, मान लो आप उसमें कभी कामयाब, कम ज़्यादा या फिर बिल्कुल ना हो पाओ तो हो सकता है वो दोस्त आपका मजाक उड़ाए, तू तो कहता था ये बन जाएगा मगर बन ही नहीं पाया। इसलिए अपने अपने गोल्स किसी को मत बताओ। उससे दूसरा इसका कारण ये अपने गोल्स ना बताने का, वो ये है कि आपके गोल्स पर नज़र भी लग सकती है, नज़रें ज़रूर लगती हैं। अगर आप सही समय पे बताते हैं पूरा काम होने के बाद तो काम आपका ज़रूर बनेगा, पहले ही ढिंडोरा पीट दोगे सारे जहां में जाके तो कभी भी वो काम नहीं 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 बनेगा। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। जिंदगी में अपनी कभी भी स्ट्रेंथ और वीकनेस किसी को नहीं बतानी चाहिए। होता यह है कि आप अपनी वीकनेस किसी को बता देते हैं और उस वीकनेस का लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं अपने दोस्त की कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम अंकित है, उसके बाल नहीं थे, उसने बाहर से ट्रांसप्लांट कराया और मेरे एक दोस्त को और को बताया कि मैंने तो बाल नकली लगवाए हैं और दुनिया ने उसको, उसने जाके सबको ढिंडोरा पीट दिया पूरी दुनिया में किसके तो नकली बाल है और सब उसको मजाक उड़ाते हैं। यही रीज़न है कि अपने बारे में कुछ मत बताओ, अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, आपके अंदर कुछ ताकतवर चीज़ है करने की तो उसको कभी मत बताओ। हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने के लिए आपको दोस्त आपको बुलाए, यार मेरा एक काम कर दे, प्लीज़ मेरा ये काम कर दे, तू तो ताकतवर है, तेरी तो यहाँ चलती है, तेरी तो वो चलती है। इसलिए अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस कभी किसी को मत बताओ। अगर ज़िंदगी में आपको कामयाब बनना है, पैसा कमाना है तो अपनी कभी भी कमज़ोरी और ताकत दोनों को ही प्रदर्शन ना करें। अनटेलनेस पर्याप्त ना हो, ज़रूरत ना हो, उसका बेमतलब में इस्तेमाल ना करें। दोस्तों इसके बाद आती है मेन चीज़ रिलेशन।
आप किस लड़की के साथ हैं, आप किससे प्यार करते हैं, जब तक आप शादी ना कर ले उस लड़की से या फिर उस लड़की के साथ जिंदगी भर ना रहने की ठान ले, तब तक अपने दोस्तों को, मित्र को, घर में भी इनफैक्ट ना बताएं। होता क्या है, रिलेशन और ये सब चीजें बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, आज है कल, कभी कभार नहीं भी हो पाती, परसों तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती। होता यह है कि लोग आपकी इस बात को जान के उसका फायदा उठा सकते हैं, लोग जान सकते हैं कि आप जिस लड़की के साथ थे वो कहाँ रहती है, क्या रहती है, हो सकता है खुद ही उस पर बात करना शुरू कर दे। इसलिए आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में है उसको सीक्रेट रखें, जब तक आप पूरी तरह श्योर नहीं हो जाते कि मेरे को इससे शादी करनी है या शादी करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। मैं तो आपको हाईली सजेस्ट करता हूँ कि जब आपकी शादी हो जाए तभी अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताएं, या उससे दो तीन दिन पहले बताएं, या शादी के वक्त ही बताएं। पहले बताने का कोई यूज़ नहीं होता, बेमतलब की नज़रें लगती है, काम बने बनाए भी बिगड़ जाते हैं, इसलिए पहले पूरा काम हो जाए तभी बताएं। आपकी गर्लफ्रेंड को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, कहाँ जाना पसंद है, कहाँ नहीं जाना पसंद, किसके साथ घूमती है, इन सब बातों का जिक्र अपने दोस्तों से करना, अपने रिश्तेदारों से करना सिर्फ मूर्खतापूर्ण काम है। होता यह है कि आप ऐसी बातें बताते हैं और उन बातों का तिल का ताड़ बनता है और आपकी आपसी लड़ाई हो सकती है इन्हीं कारणों की वजह से। इसलिए कभी भी अपने रिलेशन, अपनी पर्सनल बातें किसी को भी मत बताएं। दोस्तों इसके बाद कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे कि अपने घर की बातें। बुद्धिमान इंसान कभी भी अपने घर की पर्सनल बातें किसी को नहीं बताता, ना ही वो ये बताता है कि वो क्या सोचता है, उसके घर वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अपनी 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 कभी भी अपनी बातें, घर की बातें किसी को ना बताएं। होता ये है कि आपकी घर की बातें सुन के आपका सामने वाला आपको ब्लैकमेल कर सकता है, ये बोल सकता है तेरे पापा तेरी मम्मी तेरी इज्जत नहीं करते, मैं क्यों करूँ, या दुनिया में जाके बोल सकता है यार उसने तो बताया था उसके पापा से लड़ाई हो गई, उसकी तो घर वाले भी इज्जत नहीं करते। बेमतलब अपनी बेइज्जती खुद ना करें। दोस्तों इसके बाद अपने कोई राज कभी भी किसी दोस्त को नहीं बताने चाहिए। राज आप बताकर अपने आप को एक तरीके से उस इंसान के अधीन कर देते हैं, जैसा वो चाहेगा वो आपको वैसे ही चला सकता है अगर उसको आपके सारे राज बताए तो। तो दोस्तों ये कुछ बातें जो आचार्य चाणक्य जी ने बताई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद, इसको लाइक जरूर करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।